ज्यादातर स्टूडेंट्स को सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स में कंफ्यूजन रहता है आइए इसको समझते हैं लेट हमारा एक रोटेटिंग वुडन प्लेटफॉर्म है और इस पे ये ब्लॉक हमारा रखा हुआ है जो पर्सन ग्राउंड पे खड़ा है वो कहेगा कि ये ब्लॉक सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है देयर फॉर सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन व्हिच इज एम टू वी स्क्वायर बाई आर और यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स फ्रिक्शन प्रोवाइड कर रहा है अभी हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स समझते हैं उसी ब्लॉक को अभी हम गर्ल के रेफरेंस फ्रेम में ऑब्जर्व करते हैं क्योंकि गर्ल हमारी ब्लॉक के साथ ही रोटेट कर रही है तो गर्ल कहेगी कि ब्लॉक की एसेलरेशन जीरो है इसी के साथ ये गर्ल नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है इसलिए हमें एक फोर्स लगानी पड़ेगी जो कि गर्ल की एसेलरेशन से अपोजिट डायरेक्शन में होगी गर्ल की एसेलरेशन v स्क्वायर बाई आर है तो इसपे हम एक सूडो फोर्स लगाएंगे एम इंटू वी स्क्वायर बाई आर ये फोर्स हमारी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है दूसरी फोर्स यहाँ पे फ्रिक्शन की लग रही है ब्लॉक पे इसलिए दोनों फोर्सेस एक दूसरे को कैंसिल कर रही हैं और ब्लॉक गर्ल के रेफरेंस में रेस्ट पे है इसलिए फ्रिक्शन फोर्स हमारी सूडो फोर्स के इक्वल है सो यू गॉट द पॉइंट दैट सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज नॉट अ रियल फोर्स दैट इज जस्ट फोर्स इन रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस